हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। मोस्ट वेलकम इन ज्ञान बिंदु अकेडमी यूट्यूब चैनल। आप चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अपने जितने भी आपके नोन हैं उनको अगर ज़रूरत है लाइफ साइंस का, तो हमारे वीडियोस, हमारे चैनल्स को उनको शेयर करिए आप, कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बेनिफिट्स को यूज़ करें। मतलब जितना हम लोग पढ़ा रहे हैं आप तक अवेलेबल हो, है ना। तो हम लोग को देखना है, आज मैं आपको डील कर रहा हूँ, बता रहा हूँ इकोलॉजी। और इकोलॉजी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज इकोलॉजिकल रिलेशनशिप। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है भाई? इकोलॉजिकल रिलेशनशिप। और इकोलॉजिकल रिलेशनशिप में आपने देखना है कि जैसे अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, तो एक कॉलम अगर बनाते हैं तो हम लोग लिखेंगे नेम ऑफ रिलेशनशिप, नेम ऑफ रिलेशनशिप, पॉपुलेशन ए एंड पॉपुलेशन बी। आपको पता होगा कि पॉपुलेशन किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विच बिलोंगिंग टू सेम स्पीसीज। स्पीसीज का मतलब क्या होता है भाई? जिनके पास इंटरब्रीडिंग करने की टेंडेंसी हो और वो फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पीसीज। तो हम लोगों ने देखा कि दो पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन ए एक पॉपुलेशन बी, उनके इंटरेक्शंस के बेसिस पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि किस तरह का इकोलॉजिकल रिलेशनशिप है। तो मैं आपको बता रहा था, पहला रिलेशनशिप की बातें करेंगे। फर्स्ट रिलेशनशिप इज न्यूट्रलिज्म। फर्स्ट रिलेशनशिप क्या है? न्यूट्रलिज्म, कि एक स्पीसीज को दूसरे स्पीसीज से कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग इसको बोलते हैं न्यूट्रलिज्म। न्यूट्रलिज्म का मतलब कि एक स्पीसीज का दूसरी स्पीसीज से ना कोई बेनिफिट रिलेशनशिप, ना कोई हार्म, है। तो रिलेशनशिप इज न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता एक दूसरे से, तो हम लोगों ने बोला न्यूट्रलिज्म। इसके बाद आता है आपका एमेंसलिज्म। क्या पढ़ना हम लोगों को? एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म में मेनली बातें करना होता है कि एक इंडिविजुअल का, वन इंडिविजुअल इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड, बट अनदर इज नेगेटिवली अफेक्टेड। समझ पा रहे? दो इंडिविजुअल्स हैं, दो पॉपुलेशन है। एक पॉपुलेशन को ना तो बेनिफिट है ना कोई लॉस है, लेकिन दूसरा पॉपुलेशन जो है, जो दूसरी इंडिविजुअल पॉपुलेशन है, उसका लॉस हो जा रहा है। इसके बाद आता है, हम लोगों को देखना है कंपटीशन। कंपटीशन में दो पॉपुलेशन दोनों एक चीज के लिए कंपटीट कर रहे हैं, किसी कॉमन रिसोर्सेस के लिए अगर कंपटीट करें तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? कंपटीशन। और कंपटीशन में आपने देखा किसी का भला नहीं होता। फिटनेस ऑफ वन पॉपुलेशन इज डिक्रीज बाय फिटनेस ऑफ अनदर पॉपुलेशन एंड वाइस वर्सा। सो हम लोगों ने क्या देखा कि कंपटीशन में दोनों को हार्म हो रहा है। इसके बाद आता है आपका पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशनशिप में हम लोग पढ़ते हैं प्रिडेशन। क्या पढ़ते हैं? प्रिडेशन। और प्रिडेशन में आपने पढ़ा कि वन पार्टनर इज बेनिफिटेड वाइल अनदर इज हार्म्ड। वन पार्टनर इज बेनिफिटेड वाइल अनदर इज हार्म्ड, मतलब क्या हो रहा है? एक पार्टनर को बेनिफिट है, जो बेनिफिट जिसको है वो साइज में बड़ा है, उसको आपने बोला प्रेडेटर। और जिसका नुकसान हो रहा है उसको आपने क्या पढ़ा? प्रे। सो प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप में हम लोगों को क्या देखना? प्रे का लॉस हो रहा है और प्रेडेटर का बेनिफिट है। इसके बाद आता है आपका पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म अगेन, वन पार्टनर इज बेनिफिटेड फाइल अनदर इज हार्म। पैरासाइट है वो होस्ट, पैरासाइट स्मॉलर बॉडी साइज का है, आर सेलेक्टेड स्पीसीज है, हाई बायोटिक पोटेंशियल है। वो क्या कर रहा है? वो लार्जर किसी होस्ट पर अफेक्ट कर रहा है और होस्ट से वो फूड और शेल्टर को ले रहा है। क्या ले रहा है? फूड और शेल्टर को ले रहा है। तो जहां से फूड और शेल्टर ले रहा है उसका टोटल हार्म, और जो ले रहा है उसको फायदा। सो बेनिफिट गेटिंग पार्टनर इज कॉल्ड पैरासाइट इन दिस सिचुएशन, एंड हार्म पार्टनर इज कॉल्ड प्रेडेटर। सॉरी, हार्म पार्टनर जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? होस्ट।
इसके बाद आता है इसी प्लस माइनस रिलेशनशिप में हर्ब एंड हर्बीबोर्स, हर्बीबोर्स रिलेशनशिप। प्लांट का हम लोग देखेंगे लॉस हुआ, लेकिन जो ग्रेजर है हर्बीबोर्स है उसका बेनिफिट। तो प्लांट का लॉस है, तो प्लांट का लॉस है तो हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, माइनस से, और जिसका बेनिफिट है उसको आपने कैसे रिप्रेजेंट किया, प्लस से। तो बेनिफिट किसको है, हर्बीबोर्स को। इसके बाद आता है आपका हम लोग बातें करते हैं पैरासीटोइड्स। पैरासीटोइड्स की बातें अगर करें तो पैरासीटोइड्स आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रेडेटर एंड पैरासाइट, बताऊंगा अभी डिटेल में आपको। तो यहां पर भी जो पैरासीटोइड है उसको बेनिफिट और जो होस्ट है उसको लॉस हो जाता है। तो इतने तरह के रिलेशनशिप हम लोगों ने देखे, आगे देखते हैं क्या होता है। इसके बाद में एक रिलेशनशिप आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कमेंसलिज्म। क्या पढ़ना है आपको, कमेंसलिज्म। और कमेंसलिज्म में आपने क्या देखना है कि हम लोगों को देखना है कि भाई वन पार्टनर इज बेनिफिटेड व्हाइल अनदर पार्टनर इज अनअफेक्टेड। एक पार्टनर को बेनिफिट हो रहा है जबकि दूसरे पार्टनर को ना इधर बेनिफिट ना हार्म। ठीक। इसके बाद आता है आपका सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ एसोसिएशन सिम्बायोसिस इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। सो फर्स्ट वन इज आपने देखा प्रोटो कॉपरेशन, प्रोटो कॉपरेशन, और दूसरा है आपका म्यूचुअलिज्म। प्रोटो कॉपरेशन मीन्स बोथ पार्टनर्स आर बेनिफिटेड। सिम्बायोसिस म्यूचुअलिज्म मतलब भी दोनों पार्टनर्स को बेनिफिट है। बट डिफरेंस कहां पर है, डिफरेंस की बातें अगर हम करें तो हम लोग देखेंगे प्रोटो कॉपरेशन इज टेम्पररी प्रोसेस, इट मींस इट इज अ फैकल्टेटिव रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप है, फैकल्टेटिव रिलेशनशिप मतलब नॉन ऑब्लिगेट रिलेशनशिप, मतलब टेम्पररी रिलेशनशिप। इसके बाद में हम म्यूचुअलिज्म की बात करें तो म्यूचुअलिज्म इज परमानेंट रिलेशनशिप, परमानेंट रिलेशनशिप। इतना कहते ही आपके दिमाग में, आपके दिमाग में लाइकेन का एग्जांपल आ जाना चाहिए कि लाइकेन में एल्गी और फंजाई दोनों कैसे करेक्टर, दोनों एक दूसरे से बेनिफिटेड थे, लेकिन करेक्टर कैसा शो कर रहे थे, म्यूचुअलिज्म का। क्यों, क्योंकि रिलेशनशिप कैसा है, ऑब्लिगेट टाइप का है। तो अगर एक स्पीसीज का लॉस है तो दूसरा भी तुरंत, दूसरे की भी लॉस हो जाती है। इसीलिए हम लोग वहां पर बातें करते हैं कि म्यूचुअलिज्म इकोसिस्टम का सबसे डेंजरस रिलेशनशिप है। आइए मैं आपको बताता हूं कि प्रेडेशन क्या होता है। प्रेडेशन को हम लोगों को पढ़ना है कि भाई व्हाट इज प्रेडेशन। तो आपने पढ़ा कि दो पार्टनर्स हैं, आपने देखा कि बेनिफिट गेटिंग पार्टनर इज लार्जर इन साइज, कॉल्ड, क्या कहेंगे आप उसको, कॉल्ड प्रेडेटर। बेनिफिट गेटिंग पार्टनर कैसा है, लार्जर साइज का है, उसको हम लोग क्या बोले, प्रेडेटर। जबकि वेल हार्म पार्टनर इज ए स्मॉलर इन साइज, क्या कहेंगे हम लोग, कॉल्ड प्रे। क्या कहेंगे आप, प्रे। सो आई थिंक क्लियर होगा, प्रेडेटर लायन है, किसी प्रे को कैप्चर कर रहा है, तो जो प्रेडेटर है लायन है वो लार्जर साइज का है और प्रे कैसा है, स्मॉलर साइज का है। तो हम लोगों को क्या देखना है कि प्रेडेटर कैसा है, प्रेडेटर लार्जर साइज का है और प्रे कैसा है, स्मॉलर साइज का है। अब आपको क्या देखना है कि कहीं पर भी प्रेडेटर की बातें करें तो प्रेडेटर और प्रे में डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज वेरी लेस।
डिग्री ऑफ एसोसिएशन एसोसिएशन इज वेरी लेस, वेरी लेस रीजन. प्रीडेटर तुरंत कैप्चर करेगा, मारेगा, मारने के बाद में वो ईट करेगा, उसको खाएगा. तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन दोनों में क्या होगा? बहुत कम होगा. हाँ, रिस्क ऑफ मॉर्टेलिटी, रिस्क ऑफ मॉर्टेलिटी क्या होगा? बहुत ज्यादा, इज वेरी हाई. सो हम लोगों ने क्या देखा कि रिस्क ऑफ मॉर्टेलिटी बहुत ज्यादा है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या है? बहुत कम है. दूसरा एक लाइन और आपको ध्यान रखना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जितना भी एक आइडियल प्रेडेटर जो है, आइडियल प्रेडेटर इज जनरलिस्ट, आइडियल प्रेडेटर कैसा है? जनरलिस्ट नेचर का होना चाहिए. जनरलिस्ट नेचर का मतलब क्या हुआ? स्पेसिफिसिटी नहीं होना चाहिए कि भाई हम इसी प्रे को खाते हैं तो हम इसी प्रे को खाएंगे, राइट? इसके बाद में हम लोगों को देखना है एक कॉन्सेप्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसे हम लोग पढ़ते हैं ऑप्टिमम फॉरेजिंग थ्योरी. क्या पढ़ते हैं आप? ऑप्टिमम फॉरेजिंग थ्योरी. ऑप्टिमम फॉरेजिंग थ्योरी सजेस्ट करती है कि कोई भी प्रेडेटर अगर प्रे पर कैप्चर कर रहा है तो बेनिफिट कॉस्ट रिलेशनशिप मैटर करेगा. बेनिफिट कॉस्ट रिलेशनशिप क्या करेगा? इंपॉर्टेंट होता है. और यह बोलता है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, बेनिफिट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द कॉस्ट. यह थ्योरी क्या बताती है कि अगर प्रेडेटर प्रे को कैप्चर कर रहा है, अगर प्रेडेटर प्रे को कैप्चर कर रहा है तो प्रेडेटर डिसीजन लेगा कि हम प्रे को कैप्चर करें या ना करें. और अगर वो प्रे को कैप्चर करने के लिए डिसाइड कर रहा है तो क्या देखेगा प्रे? प्रेडेटर क्या देखेगा? प्रेडेटर पहले देखेगा कि भाई अगर हम प्रे को कैप्चर कर रहे हैं तो हमारा कितना एनर्जी का इन्वेस्टमेंट है और बदले में हमको कितनी एनर्जी मिल रही है. दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम फॉरेजिंग कॉन्सेप्ट. सो आइए हम देखते हैं कि एनर्जी किस फॉर्म में यूज करेगा. यहां पर हम लोगों को देखना है कि भाई एनर्जी इन्वेस्टमेंट एनर्जी इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग या ऐसे लिखेंगे कि भाई प्रेडेटर के लिए प्रेडेटर कितना एनर्जी इन्वेस्ट कर रहा है. तो प्रेडेटर का एनर्जी इन्वेस्टमेंट हम लोग मेजर करते हैं कि टाइम रिक्वायर इन सर्चिंग ऑफ प्रे, कि प्रे को सर्च करने में कितना टाइम लग रहा है. टाइम रिक्वायर एनर्जी रिक्वायर ड्यूरिंग हैंडलिंग ऑफ प्रे, हैंडलिंग ऑफ प्रे एंड टाइम रिक्वायर ड्यूरिंग हैंडलिंग ऑफ प्रे. कोई भी प्रेडेटर अगर प्रे को कैप्चर कर रहा है तो वो रेसिंग करेगा प्रे के साथ, तो कितना स्पीड से रेसिंग कर रहा है. तो हम लोगों को क्या देखना है, कितना अमाउंट में एनर्जी वो रेसिंग के लिए इन्वेस्ट करता है. दैट मींस एनर्जी एंड टाइम रिक्वायर्ड ड्यूरिंग कैप्चरिंग ऑफ प्रे. प्रे को कैप्चर करने के बाद जब वो मार रहा है तो मारने के बाद में जो प्रे प्रेडेटर में फाइट है, तो वो फाइट करने में आपका प्रेडेटर कितना अमाउंट में एनर्जी इन्वेस्ट कर रहा है. जितना अमाउंट में एनर्जी इन्वेस्ट कर रहा है तो ये जो टाइम और एनर्जी दोनों इन्वेस्ट कर रहा है प्रेडेटर प्रे को कैप्चर करने के लिए, वो हमेशा लेस होना चाहिए कि प्रेडेटर जब प्रे को खाएगा तो उसमें से मैक्सिमम एनर्जी को अगर यूटिलाइज कर पा रहा है तो वो प्रे. इसके अकॉर्डिंग हम लोग बातें करेंगे कि प्रे जो है वो सुटेबल है या सुटेबल नहीं है. अब एनर्जी गेन की बात करें, एनर्जी गेन फ्रॉम प्रे
कि भाई प्रे आपका प्रेडेटर कितना अमाउंट में एनर्जी गेन कर पा रहा है उस प्रे से। तो एनर्जी गेन बता रहा है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन गेन फ्रॉम प्रे ऑफ प्रीडेटर स्पीसीज ऑफ प्रीडेटर स्पीसीज। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा इस कॉन्सेप्ट के बाद, एक लाइन आपको समझ में आ रहा है कि अगर एनर्जी गेन इज ग्रेटर देन द एनर्जी इन्वेस्टमेंट देन प्रे इज प्रोफिटेबल प्रे या प्रे इज सुटेबल प्रे ऑफ द प्रेडेटर। तो मैं आपको बता रहा था, अगर एनर्जी गेन, इफ एनर्जी गेन बाय प्रेडेटर इज ग्रेटर देन द एनर्जी इन्वेस्टमेंट एनर्जी इन्वेस्टमेंट बाय प्रेडेटर ड्यूरिंग कैप्चरिंग एंड हैंडलिंग ऑफ प्रे कैप्चरिंग एंड हैंडलिंग ऑफ प्रे सो दिस प्रे So this prey is suitable for predator. समझ में आया? This prey is suitable for predator. कब? अगर उसको energy gain ज्यादा है। दूसरा condition, if energy gain is less than energy lost. So this prey is not suitable by predator. This prey is not suitable to predator. Not suitable to